हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 3 दिन से पूरी हैट्रिक बना दी इन्फिनिक्स ने इंडिया के अंदर लॉन्च करने की। पहले दोस्तों परसों लॉन्च हुआ इन्फिनिक्स का नोट 11, फिर कल आया नोट 11S, और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं नोट 11S फ्री फायर एडिशन। तो दोस्तों ये गेमिंग स्मार्टफोन है उन लोगों के लिए जिनको गेम खेलना इतना ज़्यादा पसंद है फ़ोन के अंदर, उनको सिर्फ गेमिंग ही करनी होती है। और बहुत से लोग दोस्तों जिनका बजट जो है कम है 15,000 के अराउंड, तो दोस्तों उनके लिए स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इस वीडियो में हम इसके अनबॉक्सिंग करके जानेंगे इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, आपको ये फ्री फायर एडिशन नोट 11S का खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो को जानने के लिए दोस्तों एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम इसके अनबॉक्सिंग करके देखेंगे इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और कमियाँ भी क्या क्या हैं। तो वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं, उससे पहले वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों इसका जो बॉक्स है वैसे वो डिफरेंट है नोट 11, नोट 11S से। इसमें आपको बड़ा बड़ा यहाँ पे मिल जाता है लिखा हुआ फ्री फायर, क्योंकि ये फ्री फायर एडिशन है। नीचे की तरफ नोट 11S की ब्रांडिंग मिलती है। साइड में दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसके अंदर कि इस फोन के अंदर आपको लो ब्लू लाइट मिलती है जिससे आंखों में दिक्कत कम होगी, सर्टिफाइड है ये और सेफ फास्ट चार्जिंग के लिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें इसकी प्राइसिंग को लेकर, देखिए बॉक्स के ऊपर तो आपको रेट लिखा हुआ मिलता है इसमें 18,999, यानी कि 19,000 की MRP है, तकरीबन 19,000-19,000 की MRP है। लेकिन ये आपको अभी मिल जाएगा सिर्फ 15,000 में इंट्रोडक्टरी प्राइस पर। फ्लिपकार्ट पर अगर आप इसको खरीदते हैं तो 15,000 में आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों जैसे आप इसको अनबॉक्स करते हैं, तो अनबॉक्सिंग करते ही दोस्तों सबसे पहले तो इसके अंदर आपको मोबाइल मिलता है जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, डिज़ाइन वगैरह कैसा है। आपको इसके बाद जो है बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक फ्री फायर का फोटो मिल जाता है गेम का, एक सिम इजेक्टर टूल दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आपको ये स्क्रीन जो है स्क्रैच गार्ड मिलता है, आज इसको स्क्रैच करके देख लेते हैं। 9GE मेरा कोड निकला है, बाकी देखते हैं चेक करके क्या मिला। कुछ यूज़र मैनुअल मिलते हैं दोस्तों इसके बाद मिल जाता है आपको ये कवर, स्पेशल एडिशन कवर। इन्फिनिक्स में इस बार जो है नोट 11 सीरीज़ में बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ ये रही दोस्तों, कवर जो निकले हैं फ़ोन के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमाल के निकले, नोट 11 के साथ भी, नोट 11S फ्री फायर के एडिशन के साथ भी। ये मैट फिनिश में बिल्कुल, समझ लीजिए आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कवर के लिए अलग से फ़ोन लेने के बाद, जो कि अक्सर करना ही पड़ता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट कवर जो एकदम पीला हो जाता है तो वो इसके अंदर आपको नहीं मिलता। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का मैट फिनिश में कवर है। इनफैक्ट अगर आप इसको बाहर से भी खरीदेंगे मुझे नहीं लगता ये 150-200 रुपये से, अगर आप लोकल मार्केट से खरीदते हैं आपको कम मिलेगा क्योंकि काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है इसकी। बाकी एक दोस्तों आपको इसके साथ जो है, अबे निकल जाए यार, ये स्क्रीन गार्ड भी है, ये स्क्रैचेस वगैरह से बचाएगा। लेकिन दोस्तों आप जो है इसको अभी फ़िलहाल के लिए लगा सकते हैं, जब आप इसको निकालते हैं फ़ोन को इससे स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। बाकी जो है आप 1-2 दिन बाद टेम्पर्ड ग्लास ज़रूर लगवा लीजिएगा फ़ोन पर, क्योंकि उससे जो है टूटने के चांसेस कम होते हैं, इसमें जो है डिस्प्ले टूटने के चांसेस ज़्यादा है अगर गिरता है फ़ोन। बाकी स्क्रैचेस की प्रोटेक्शन के लिए ये दिया गया है, ये चीज़ काफ़ी सही है, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा, बिना इसके यूज़ मत करिएगा। बाकी एक आपको ये डेटा केबल भी मिलती है दोस्तों, लेंथ और क्वालिटी इसकी सही है, टाइप सी केबल है ये, रेड कलर का। इसके अंदर आपको यहाँ पे टेक्सचर मिल जाता है केबल के USB पोर्ट पर। और इसके अलावा दोस्तों आपको जो चार्जर दिया गया है कि ये है दोस्तों 33 वॉट का, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। चार्जर तीनों ही फ़ोनों के साथ आपको 33 वॉट्स के दिए गए हैं, 33 वॉट के चार्जिंग जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट करेगा ये। देखते हैं चार्जिंग टाइम कितना लगेगा, उसकी भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट कर दिएगा अगर आपको इस फ़ोन का या इन्फिनिक्स के नोट 11 सीरीज़ के कोई से भी फ़ोन का जो है चार्जिंग टेस्ट देखना है। बाकी दोस्तों बॉक्स के कंटेंट जो है अगर हम इसके प्राइस को देखें 15,000 तो काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं, क्योंकि कवर भी बहुत अच्छा है, लगा के भी देखते हैं फ़ोन पर, चार्जर भी सही है और डेटा केबल भी बढ़िया दी गई है। इसके अलावा दोस्तों तो मुझे तो इस चीज़ में ये फ़ोन सही लगा। बात करते हैं डिज़ाइन की, एक चीज़ ख्याल रखना, ये जो मैंने स्क्रैच जो है आपके सामने कर दिया, इसको कोड को यूज़ मत करना, मैं यूज़ करूँगा, फ़ोन खरीदना पड़ेगा उसको यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों ये है कुछ इस तरीके से पैटर्न नोट 11S का फ्री फायर एडिशन का, अनरैप कर लेते हैं। तो अगर आप मेन चीज़ देखेंगे, देखिए इस डिज़ाइन में, वैसे हमने कल अनबॉक्सिंग करी थी नोट 11S की जो आपको नॉर्मल एडिशन मिलता है उससे, इसमें डिज़ाइन के अंदर कोई फ़र्क तो नहीं है खास, वही कलर है, डिज़ाइन भी वैसा ही है, पैटर्न भी वैसे मिलता है और स्पार्कल शेड भी दिया गया है इसके अंदर आपको। इसी के साथ दोस्तों इस पर जो है डिज़ाइन की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, स्क्रैचेस भी एकदम नहीं आएंगे, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग वही मिल जाती है नीचे की तरफ, कैमरा का मॉड्यूल भी उसी डिज़ाइन में दिया गया है, कलर भी सेम है, तो वैसे तो आपको देखने में तो कोई फ़र्क नहीं मिलता इन्फिनिक्स का नोट 11 को अगर आप नॉर्मल एडिशन लेते हैं या फिर फ्री फायर एडिशन, लुक वाइज आपको फ़र्क नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर हम इसको जो है देखते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिज़ाइन जो है वैसे काफ़ी बढ़िया ही है, आपको इसमें भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि डिज़ाइन की क्वालिटी जो है काफ़ी बढ़िया है, तो इस पर स्क्रैचेज नहीं आएंगे और जैसे मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ तो फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी नहीं आ रहा इसके ऊपर, तो ये चीज़ काफ़ी सही है। डिज़ाइन की क्वालिटी देखने में भी अच्छी है वैसे, और दोस्तों इन हैंड फील भी काफ़ी बढ़िया है इसकी। बाकी काफ़ी ये बड़ा स्मार्टफोन है क्योंकि गेमिंग वगैरह के लिए जो है आपको एक्सपीरियंस बड़े स्मार्टफोन पे ही ज़्यादा मज़ा आएगा, तो इस वजह से इसके अंदर आपको काफ़ी बड़ा जो है ये स्मार्टफोन मिल जाता है। बाकी इसकी डिस्प्ले जो है ऑन कर लेते हैं, तो दोस्तों
कई बार जैसा आप इसको उतारते हैं ना, करंट सा भी लगता है। अगर आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है तो देखना, क्योंकि एक एनर्जी जनरेट होती है जब हम इसको जो है रिमूव करते हैं। तो आपने अगर ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है तो हमें बताना। मैं तो हमेशा जो है इसको ध्यान से ही उतारता हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में उतारने में उंगलियों पर करंट हमेशा ही लगता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है कुछ इस तरीके से, ऑन कर लेते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग आ गई, बाकी इसको ऑन करने में देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों वो है इसकी डिस्प्ले का साइज, इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी, और दोस्तों इसके अंदर आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मिलती है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रोसेसर भी बहुत बढ़िया दिया गया है, आगे हम बात करेंगे वीडियो के अंदर। बाकी इतने मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ, आप इतने वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो चुका है हमारा ये ऑलमोस्ट बूट, और दोस्तों इसके अंदर आपको XOS का वर्जन 10 मिलता है जो कि लेटेस्ट है। तो दोस्तों ये है आपका इन्फिनिक्स का नोट 11S फ्री फायर एडिशन। वैसे इसमें वॉलपेपर तो फ्री फायर का होता तो और बढ़िया रहता। अब इसके अंदर जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी दोस्तों वो है इसका यूज़र इंटरफेस, पहले के कंपैरिजन में काफ़ी इंप्रूव्ड है। देखिए अभी तक जितने भी स्मार्टफोन्स आए इन्फिनिक्स के, उनके अंदर जो आपको सॉफ्टवेयर मिलता था उसका जो एक्सपीरियंस होता था यूज़ करने में इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता था, जो मज़ा आए फ़ोन के अंदर यूज़ करने में। तो इसके अंदर आपको सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट पहली ये मिलती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी इन्फिनिक्स की तरफ से। इसके अंदर आपको UI के अंदर काफ़ी चेंज मिलता है, एटलीस्ट आइकन्स वगैरह जो है पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। इसके अंदर आइकन्स जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी ऐप्स मिल जाएंगी इसके अंदर। तो एक्सपीरियंस जो है इसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे बड़ा अपग्रेड इस चीज़ का है दोस्तों, इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है इसमें। तो जब आप इसको यूज़ करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, तो इसके अंदर आपको बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों जो एक्सपीरियंस मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ मिलेगा दूसरे स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ज़्यादातर जो है इस बजट के अंदर 15,000 के बजट में सभी के अंदर दोस्तों लगभग जो है 60 हर्ट्ज़ का या फिर मैक्सिमम 90 हर्ट्ज़ का ही रिफ्रेश रेट मिलता है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज़ का दिया गया है, तो यूज़ करने में इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़िया मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है दोस्तों ये यूज़ करने में। बाकी इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। देखिए आप इसके अंदर आपको डिस्प्ले के जो कलर्स मिलते हैं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। डिज़ाइन तो इसके अंदर आपको दिया गया है पंच होल कैमरे वाला, तो नॉच वाला डिज़ाइन नहीं है, ये चीज़ सही है। और दोस्तों इसके अंदर आपको एक IPS फुल HD+ डिस्प्ले दी गई है 6.95 इंचेस की, तकरीबन 7 इंच की डिस्प्ले है इसके अंदर। तो डिस्प्ले का साइज़ तो इसके अंदर आपको बहुत बड़ा मिलता है, और आप देख सकते हैं एजिस बेजल्स भी काफ़ी कम है, क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। इसी के साथ दोस्तों कलर्स को लेकर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखा जाए तो दोस्तों ओवरऑल साइज़ को लेकर और इसकी क्वालिटी को लेकर जो इसकी कलर्स हैं, ब्राइटनेस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका जो रिफ्रेश रेट है बहुत ज़्यादा 120 हर्ट्ज का, इस वजह से ये स्मार्टफोन दोस्तों काफ़ी बढ़िया बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है तो गेमिंग एक्सपीरियंस जो है आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर आपको कलर्स भी काफ़ी बढ़िया मिलते हैं डिस्प्ले के, और रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ दोस्तों इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाती है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे यहाँ से तो सिम की ट्रे दी गई है इस तरफ, सिम की ट्रे ऐसी मिलती है, चेक कर लेते हैं चलिए। ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों मिलती बड़ी मुश्किल से, खो जाता है एकदम, आप इसको फ़ोन के कवर में रखते होंगे लेकिन उससे जो है ना कई बार स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करता। अब ये है दोस्तों इसकी सिम की ट्रे, दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। इसके अंदर सिम स्लॉट इसके अंदर आपको सही दिया गया है, काफ़ी बढ़िया है, बहुत से लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड तीनों चीज़ें एक साथ लगाना। वैसे इसके अंदर आपको स्टोरेज को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी दोस्तों ये ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग और भी अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों इसका जो साइडों से फ्रेम है ये कटआउट होने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। इसकी जो बैक पैनल की कर्वनेस है, इसका जो बैक पैनल साइडों से आपको कर्व मिलता है, तो इसकी ग्रिप जो है काफ़ी बढ़िया आती है। दूसरी चीज़ ये है इसका जो ऊपर से कटआउट जो है काफ़ी अंदर तक है, तो इस वजह से ये बैक पैनल बहुत ज़्यादा कर्व लगता है और ज़्यादा कर्व लगता है। नीचे की साइड से आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है, इधर की तरफ माइक मिल जाता है, हेडफोन जैक है, और राइट साइड पे स्पीकर्स दिए गए हैं दोस्तों, स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, क्वालिटी जो है साउंड की काफ़ी बढ़िया है। राइट साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और इसको टेस्ट कर लेते हैं अभी, वॉल्यूम के बटन्स हैं इस तरफ। ऊपर से देखेंगे तो प्लेन डिज़ाइन है, तो देखने में तो डिज़ाइन बिल्कुल नोट 11S की तरह है। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको जो यूनिक चीज़ मिलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए स्टोरेज के अंदर जब हम जाते हैं तो इसके अंदर आपको जो स्टोरेज मिलती है वो ज़्यादा दी गई है। अब यहाँ पे हम चलते हैं चेक करते हैं कितनी रैम और स्टोरेज है, तो इसके अंदर दोस्तों 8GB रैम मिलती है आपको, 8GB और 128GB की स्टोरेज मिलती है, 128GB स्टोरेज है इसके अंदर, जिसमें से तकरीबन दोस्तों 13GB जो है पहले से ही यूज्ड है, तकरीबन 115GB जो है इसके अंदर आपको फ्री मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया स्पेस फ्री है। वैसे इसके अंदर 11 वर्जन पे ये रन करता है, चक्री घुमा देते हैं हम अपनी, ये चक्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है घुमानी। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है दोस्तों इसका सेट हो चुका है, देखते हैं कितना फास्ट वर्क करता है। तो जैसे ही मैंने टच किया ये फ़ौरन अनलॉक हो गया, ये मैंने टच किया अनलॉक हो गया, ये मैंने टच किया फ़ौरन अनलॉक हो गया, फेस अनलॉक भी टेस्ट करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं देखिए ये मैंने बटन प्रेस किया अनलॉक, बटन प्रेस किया अनलॉक,
बटन प्रेस किया अनलॉक, तो इसकी स्पीड आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है फेस अनलॉक की भी और दोस्तों फिंगरप्रिंट की भी। इस चीज़ को लेकर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। एक काम करता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कितना टाइम लगाता है ये ऑन होने में। और इतने दोस्तों ये रीस्टार्ट हो रहा है, बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 5000 mAh की एक दिन का बैटरी बैकअप इसके अंदर आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, देखिए अगर आप 60 Hz पे यूज़ करते हैं तो बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा मिलेगा, और 120 Hz पे यूज़ करते हैं तो बैटरी जो है थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आप 60 Hz पे यूज़ कर लीजिएगा। गेम वगैरह आपको खेलने हैं जैसे जब, तो आप जो है 120 Hz पे इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस बढ़िया मिल जाएगा, बैटरी भी आपकी कम कंज्यूम होगी और नॉर्मल यूज़ के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हैवी यूज़ के अंदर गेमिंग वगैरह के लिए भी इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसी के साथ दोस्तों इसके अंदर आपको जो कैमरा मिलता है उसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, टाइम लैप्स का, स्लो मोशन, शॉर्ट वीडियो, लगभग सारे फीचर्स दिए गए हैं। और इसके अंदर आपको मेन कैमरा मिलता है 50 MP का, 50 MP का मेन कैमरा है दोस्तों। फ्रंट है दोस्तों 16 MP का। कैमरे की परफॉर्मेंस चलिए चेक कर लेते हैं। ओवरऑल दोस्तों मुझे इसका कैमरा नॉर्मल लगा, नॉर्मल यूज़ के अंदर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी बहुत जो है आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं तो आपके फोटोज़ जो है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे। बाकी दोस्तों एडिटिंग तो हर कोई करता ही है जब फोटोज़ लेते हैं, तो वो चीज़ आपको ठीक मिल जाती है इसके अंदर। बाकी अगर आपको बिल्कुल कैमरे की वजह से ही फ़ोन लेना है तो इन्फिनिक्स के और दूसरे स्मार्टफोन्स भी आते हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। हमने चैनल पे कई सारी वीडियोस अपलोड करी हैं और दूसरे स्मार्टफोन्स की भी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों मुझे इसका कैमरा नॉर्मल लगा इसके प्राइस पॉइंट को देखते हुए 15,000। इसके अलावा दोस्तों ये सारी खूबियाँ कमियाँ हैं इसके अंदर। एक मिनट रुकिए, कवर लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले बहुत ही क्लासिक लग रहा है बिल्कुल कवर इसका, देख सकते हैं आप, फ्री फायर एडिशन यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है फ्री फायर। बाकी साइडों से जो ये बिल्कुल ओपन है, नीचे से आपको यहाँ से जो है ये कवर्ड मिलता है ऊपर से और नीचे की तरफ। बाकी जो है दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट, वॉल्यूम के बटन्स और सिम की ट्रे तक खुली हुई है। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको मीडियाटेक का G96 प्रोसेसर दिया गया है, तो परफॉर्मेंस को लेकर गेम वगैरह खेलने के लिए ही ये स्मार्टफोन बना है। तो अगर आप एक गेमर हैं, परफॉर्मेंस आपको बहुत बढ़िया चाहिए, काम वगैरह करना है आपको फ़ोन से, तो इसके अंदर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हैवी यूज़ के हिसाब से ये बहुत बढ़िया है। 8GB 128GB इसके अंदर आपको मिल जाती है रैम और स्टोरेज। तो अगर आपको गेम वगैरह खेलने के लिए फ़ोन लेना है तो आप इन्फिनिक्स का ये फ्री फायर एडिशन नोट 11S ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए। मुझे दोस्तों पर्सनली ये स्मार्टफोन काफ़ी पसंद आया, क्योंकि प्राइस पॉइंट पर दोस्तों 15,000 में काफ़ी बढ़िया ही फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन फिर भी कलर्स काफ़ी बढ़िया हैं, रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा है और बाकी फ़ीचर्स भी अच्छे हैं। दोस्तों आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको कैसा लगा। आपको इसका कंपैरिजन देखना है किसी और के साथ तो नीचे कमेंट कर दिएगा दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी पसंद की वीडियो भी जल्दी लेकर आने की। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। हेल्पफुल लगी वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।